ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है भोजपुरी में आए हुए, लेकिन हाँ मैं भोजपुरी हूँ, मैं बिहारी हूँ तो बचपन से ही हूँ इस लाइन में। तो ठीक है, अभी दिमाग यही था कि चलते रहना है, डांस करना है, एक्टिंग करना है, तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ इस इंडस्ट्री में। अब पूछे सर आपका सवाल। क्या क्या जी, मैं फिल्में कर चुकी हूँ, मेरी स्टार्ट हुई थी दिनेश जी के साथ, उनके साथ मैंने फिल्म की है, ठीक है, और उसके बाद मैंने प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ दो फिल्में की हैं, और जस्ट अभी अभी मैंने नेपाल में दो फिल्में कंप्लीट की है यश कुमार जी के साथ। देखिए कॉन्सेप्ट ना हर बार कोई ना कोई नया लेके आने की कोशिश करता ही है, जैसे जितने आजकल नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, पराग पाटिल जी हैं और भी ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो लेके आना चाहते हैं नए नए कॉन्सेप्ट, पर कहीं ना कहीं घूम फिर के वो वापस वहीं आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट लेके आना और वापस उसको वैसा ही दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचने से नहीं होगा, वैसा दिखाना भी पड़ेगा, प्रेजेंट ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ जैसे उन्होंने सोचा था वैसे वो आया। तो अगर वो जैसा सोच रहे हैं, अगर वैसा ही आएगा तो हाँ डेफिनेटली लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि मैंने भोजपुरी ही को ही चुना है, मैं बिहारी हूँ तो इसलिए मैं भोजपुरी कर रही हूँ, लेकिन मैंने दो हिंदी फिल्में की हैं, एक मैंने राजस्थानी फिल्म की है, मैंने अभी पंजाबी वेब सीरीज़ की है, तो हाँ, और तेलुगु में मैं अभी अभी डेब्यू किया है, तो हाँ मैं सारी लैंग्वेज में करना चाहती हूँ, लेकिन बिहारी इसलिए, भोजपुरी इसलिए क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, मैं बिहार से हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा है कि मन की भोजपुरी में रहूँ ताकि मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले भी मुझे देख सकें। देखिए ये तो जवाब बहुत मुश्किल है देना, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने काम किया है दिनेश जी के साथ तो मैं टच वुड आपको ये बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, तो मैं उनसे ही मिली हूँ अब तक, बाकी दो लोगों से अगर मिलूँगी तो मैं आपको बता सकती हूँ कि तीनों में से बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक मेरे लिए दिनेश जी बहुत अच्छे हैं। वही वाली बात हो गई यहाँ पे कि मैंने इन दोनों के साथ काम नहीं किया है तो मैं दोनों को इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ एक्ट्रेस की बात अगर आप पूछते हो तो दोनों ही बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी अदाकारा है दोनों, तो मैं दोनों को ही अच्छा मानती हूँ। मेरी आने वाली फिल्म बहुत सारी हैं, मैं बस प्रे कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाए और आप सब लोग मुझे देखें और मुझे बहुत सारा प्यार दें जैसे आप सबको देते हैं। देखिए मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहती, मैं बस एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और एक अच्छा अदाकारा बनना चाहती हूँ ताकि लोगों तक जो मैसेज, जो एक्टिंग का मेन मोटिव है समाज का आई, वो मैं दिखा पाऊँ और लोगों को अच्छे से एंटरटेन कर पाऊँ, बस मैं इतनी ही कोशिश करती हूँ। जी अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सी फिल्म में मैं कर रही हूँ फाइनली, लेकिन हाँ किसी ना किसी फिल्म में आप मुझे जरूर देखिए। जो भी एक्चुअली देखिए मेरा ये नहीं है कि मैं किसी एक के साथ काम करना चाहती हूँ, अब ये है कि स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, स्क्रिप्ट क्या मांगता है, उनको कैसा आर्टिस्ट चाहिए वो डिपेंड करता है, तो जैसा उनको लगेगा कि मैं जहाँ फिट बैठती हूँ तो मुझे ले लेंगे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.